News 18, India. और किसानों के आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ग्रामीण भारत बंद का ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसे 37 किसानों के संगठन ने समर्थन देने का दावा किया है। अब किसान संगठनों ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का ऐलान किया है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि व्यापारी संगठनों ने बंद में शामिल नहीं होने का दावा कर लिया है। तो ये जो भारत ग्रामीण बंद है वो कितना सफल होता है, ये तस्वीर तो जरूर 4 बजे के बाद ही साफ हो पाएगी। लेकिन ये तय है कि व्यापारियों ने अपने आप को इससे अलग कर लिया है। लेकिन इस वक्त जो किसान पहले दिल्ली कूच को तैयार हुए, आंदोलन को आगे बढ़ाने का ये फैसला किया, अब उसी के समर्थन में ये दिखाई दे रहा है। देखो, बंद का ये है कि ग्रामीण भारत बंद उसका है कि किसान खेत में न जाए, तो एक ये वैचारिक बंद है किस्म से। और ये नया ट्रायल करा है ग्रामीण भारत बंद का, जो भी गांव में लोग रहते हैं वो शहर ना आए, वो कुछ कल खरीदारी ना करें, खेत में काम ना करें, तो एक नया ट्रायल इसका करेंगे और इसका रिजल्ट देखेंगे कि क्या इसमें फिर घटाना क्या बढ़ाना और इस मूवमेंट को कैसे फिर हम आगे बढ़ाएंगे। कितने घंटे का ये बंद रहेगा? नहीं नहीं, कल तो पूरा ही दिन है कि बंद का मतलब है कि किसान कल खेत में ना जाएं, वो आज जाएं या फिर उस अगले दिन जाएं। आप देख, 17 लाख रुपए का सोना बरामद करने का दावा किया। इस सोने को बड़ी चालाकी से एक कैंडल स्टैंड के अंदर छिपाकर रखा गया था। सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र यूपी के रायबरेली के लोगों को एक भावुक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने अपने स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव न लड़ने का जिक्र किया। एक दिन पहले उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था। राजस्थान में सूर्य नमस्कार पर मचे घमासान के बीच राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूजा या नमाज के नाम पर स्कूलों से गायब रहने वाले टीचरों को कड़ी चेतावनी दे दी। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों में नमाज या पूजा पाठ न करने का भी आदेश दिया। न तो स्कूल परिसर में इजाजत देंगे, न ही वो जाएंगे। उधर इसराइल की सेना ने हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार का पता लगा लेने का बड़ा दावा किया। इसराइल की सेना ने अपने दावे को सही साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया। उस वीडियो में गाजा के खान यूनिस इलाके की एक सुरंग से 6 लोग गुजरते दिखाई दिए। लेकिन इसराइल की सेना ने दावा किया कि इस वीडियो में सबसे आखिर में जो शख्स नजर आया वो हमास का टॉप कमांडर यहिया सिनवार है। 42 सेकंड के इस वीडियो में सबसे पहले एक आदमी टनल के अंदर आगे की तरफ जाता दिखा। इसराइल ने दावा किया कि ये शख्स यहिया सिनवार का छोटा भाई इब्राहिम है। वीडियो में उसके ठीक पीछे एक औरत भी सुरंग में जाती दिखी। इसराइल की सेना ने दावा किया कि ये कोई और नहीं बल्कि यहिया सिनवार की पत्नी है। उस महिला के पीछे पीछे 3 बच्चे भी सुरंग में आगे बढ़ते दिखाई दिए, जिनमें सबसे पहले एक बच्ची नजर आई, उसके हाथों में एक गुड़िया दिखाई दी। इसके बाद 2 बच्चे टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते नजर आए। बच्चों के ठीक पीछे बैग लिए हुए जो शख्स दिखाई दिया, इसराइल ने उसे यहिया सिनवार बताया और दावा किया कि जान बचाने के लिए यहिया सिनवार परिवार के साथ खान यूनिस में बनी सुरंग के नीचे छिपा है। लेकिन बहुत जल्द उसकी सेना हमास का लादेन कहे जाने वाले सिनवार की गर्दन दबोच लेगी। इसराइल यहिया सिनवार को 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले का मास्टरमाइंड मानता है और करीब 5 महीने से उसकी तलाश में है। बीच अमेरिका के एक स्कूल में हुई गोलीबारी से दहशत मच गई। अमेरिका के जॉर्जिया में एक स्कूल में हुई गोलीबारी ने पूरे